गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं अपने क्लिनिकल्स जाने के लिए हो गई हूँ तैयार और अभी जा रही हूँ सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए। और वहाँ पे ये डॉगी मिला है, कितना क्यूट है, कितना प्यार है। इससे थोड़ा सा प्यार करो उसके बदले में, देखना अभी कितना प्यार दिखा रहा है। ओले ओले ओले, एंड इवेंचुअली आज हम एक साथ मिल गए हैं क्लिनिकल जाने के लिए। ऐसे बहुत रेयर होता है कि हम एक साथ क्लिनिकल जाएँ, सब अलग अलग पहुँचते हैं। तो अभी जैसे कि हमारी पोस्टिंग शताब्दी में लग रही है न्यूरो सर्जरी वार्ड में, तो वहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। तो मैं अभी जा रही हूँ कॉलेज अपने, मुझे कॉल आया था और हमें परमिशन मिल गई है कि हमें कॉलेज जाना है आज, वहीं पर प्रैक्टिस करनी है। ये सुकून आप नहीं समझोगे कि जब हमें ये कभी परमिशन दी जाती है कि आप अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग छोड़ के कॉलेज आ जाओ और अटेंडेंस मिल जाएगी, ये खुशी जब आप यहाँ आएंगे तब पता चलेगी। सो अभी मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ और वहाँ पे शायद पूरे दिन प्रैक्टिस होगी जो भी, उसके बाद ग्राउंड हॉल जाना है जहाँ पे एक्चुअल में प्रैक्टिस होगी, कल परफॉर्मेंस जहाँ पे देनी है। बस अब मिलते हैं कॉलेज में। तो हमारे साथ साथ और भी सारे बच्चों को कॉलेज बुलाया गया था, तो ये डांस वाले बच्चे हैं जो कि कॉलेज के लिए अभी हम निकल पड़े हैं। और हमारा जो भी प्रोग्राम था उसके लिए हमें कॉलेज की तरफ से पहली बार पैसे मिले। हमेशा हम कॉलेज को देते थे, पहली बार हमें मिला है। तो हमारे क्लिनिकल ग्रुप मेट की बर्थडे पार्टी हम बहुत दिन से मांग रहे थे। उसका बर्थडे मुझे लगता है एक महीने पहले रहा होगा और अभी तक मुझे हम लोग को बर्थडे पार्टी नहीं मिली थी, तो आज वो हमें ट्रीट दे रहा है। तो वैसे शाम को सब बाहर जाने वाले हैं लेकिन मेरा प्रोग्राम है शाम को, प्रैक्टिस के लिए जाना है तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तो इसलिए हमने बर्गर मंगवाया है और कोल्ड ड्रिंक मंगवाया है। इतना देर से ये सब वेट कर रहे हैं, ये सब लेके मैं अभी पहुँची हूँ अपने रूम पर। ये लोग तो आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं और भाई मैं इतना दौड़ के आ रही हूँ, उसने मुझे ना जाने कहाँ कहाँ का एड्रेस बताया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ वहाँ खड़ा हूँ, और मैं पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही थी वो कहाँ है। फाइनली बहुत टाइम बाद मुझे जाके वो मिला। सो पार्टी के लिए थैंक यू। और मुझसे आज ना बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी मेरे पास जस्ट कॉल आया मेरी रूममेट का और उसने बोला कि तुमने मुझे रूम के अंदर लॉक कर दिया है। एंड मुझे लगा भाई ये क्या कर दिया मैंने कब लॉक किया, क्यों लॉक किया, मुझे खुद नहीं पता, बट अब लॉक है तो इसका मतलब मैंने किया होगा। तो उसका कॉल आया था, तो अभी मैं जा रही हूँ। एंड कोई भी काम होता है, किसी को कहीं जाना होता है, सो एक ही बंदा याद आता है, श्रेया, जिसके पास स्कूटी है और उसी से हम जाते हैं। तो यहाँ पे पहुँचे और भाई सच में मैंने देखा कि मैंने लॉक लगा के रखा था और बाहर से मैंने लाइट्स भी ऑफ रखी थी। मैंने कब किया, वो रूम में थी और मुझे दिखा भी नहीं। इसके लिए तो बहुत चिल्लाने वाली है बट इतना भी नहीं चिल्लाई, ठीक है, बच गई मैं। तो वैसे 2 बज गए, हमारी क्लास भी है 2 to 4 में और मैम पहले ही आ चुकी थी, अभी हम लेट हो रहे हैं। एंड ये है मेरी रियल हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग देखो भाई, इतनी नींद आ रही थी क्लास में, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, बट क्या लिखा है खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अपनी हमने ये क्लास ख़त्म की और अभी हमें जाना है कलाम सेंटर। अभी हम जूनियर्स का वेट कर रहे हैं कि कब उनकी क्लास छूटे और उनको लेके हम कलाम सेंटर जाएं, क्योंकि वहाँ पे हमें बुलाया गया है प्रैक्टिस के लिए। अभी तक हम ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे सिर्फ बिना ऑर्केस्ट्रा के, बट आज हमें बैंड पे प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमें कलाम सेंटर बुलाया गया है। एंड यार यहाँ कॉलेज में ना बिल्कुल 2-3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, वो जो कोलकाता वाला कांड हुआ था उसके बाद से ओपीडी वगैरह भी बंद चल रही है। सो आज भी यहाँ पे प्रोटेस्ट था, कैंडल मार्च चल रहा है, हर जगह हो रहा है और होना भी चाहिए जस्टिस के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं कलाम सेंटर। हमारे जूनियर्स का वैसे कल भी है यहाँ पे आए थे, कोई सेमिनार था, और यहाँ पे आज भी हम आए हैं। बैंड आ चुका है, हमारा वेट हो रहा है। सो ये डांस वाले बच्चे, इनको अभी हमने ऊपर भेज दिया है, डांस की प्रैक्टिस ऊपर हो गई और सिंगिंग की यहाँ पे। हमारा ऑर्केस्ट्रा भी, बैंड भी आ चुका है। दे रहा।
यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद अभी हमको जाना है ब्राउन हॉल, क्योंकि जो फंक्शन होना है वो ब्राउन हॉल में ही होना है फाइनल। तो वहाँ पे कैसे हमें खड़ा रहना है, कैसे जो भी माइक वगैरह की सेटिंग्स, अब वहाँ पे जाके हमें एक फ़ाइनल प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे भी डांस की प्रैक्टिस चल रही है, ये BDS वाले बच्चे हैं, इनकी डांस की प्रैक्टिस चल रही है, एंड अभी हमारी सिंगिंग की भी प्रैक्टिस चलनी है। यहाँ पे हमारे जूनियर्स पहली बार आए हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे यहाँ पे आके। एंड यहाँ पे अभी हमारी पोस्टिंग ख़त्म हो चुकी है, अभी हम निकल रहे हैं एक अच्छे काम के लिए जो जिसका हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे एक्चुअली। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। क्यों? क्योंकि हमें हॉस्टल मिल गया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिसके लिए हमने इतने दिन प्रोटेस्ट किया, इतने दिन दौड़े, पर वो सिर्फ 2 महीने के लिए ही तो है। अरे ठीक है, वो बाद में देखेंगे। फाइनली आज हमारे हॉस्टल की लिस्ट आ चुकी है और हमारे हॉस्टल चेंज हो चुके हैं। अब हमारे मिडवाइफरी में रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो रहा है, तो आज ही हमें अपना रूम शिफ्ट करना है दूसरे हॉस्टल में। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरा हॉस्टल देखने के लिए, पहले इसका हॉस्टल। और बट एक प्रॉब्लम ये है कि मेरा और इसका हॉस्टल अलग अलग हो गया है। हम सोच रहे थे कि हम एक ही हॉस्टल में हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर हम रूममेट्स अलग अलग हो गए हैं। कोई बात नहीं, क्लास में मिलेंगे। हाँ, पहले भी जा रहे हैं इसका हॉस्टल देखने, उसके बाद ये जाएगी मेरा हॉस्टल देखने। जब हम कॉलेज जाएंगे तो हम इसके रूम पे चले जाएंगे, जब ये कैंपस आएगी तो ये हमारे रूम पे आ जाएगी, है ना? अच्छा है ये, ठीक है। और ये हमारी कल की लक्ष्मी बाई है ना, ये लक्ष्मी बाई नहीं है, तुम क्या हो? इसको ऐसे शौक लगा था इसलिए ऐसे बनी है। सबसे बड़ा वाला रूम मिला मोनिका, यार इसको इतना बड़ा रूम मिला है और मेरा इसका आधा होगा। यार मुझे 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 जलन हो रही है तुमसे। एंड यहाँ पे हॉस्टल शिफ्टिंग के लिए अभी पैकिंग वगैरह चल रही है, सब लोग अपने सामान पैक कर रहे हैं। मेरा कॉलेज और मेरा नया हॉस्टल देखने के लिए आ रहे हैं भाई। दोनों की वॉल सेम है, इस दरवाजे से कनेक्ट है, मतलब यहाँ से निकल के अपने तुरंत कॉलेज जाओ, कॉलेज से निकल के हॉस्टल आओ। मैं अपने हॉस्टल से प्रॉक्सी लगवा दूंगी अपनी। ये है मेरा नया हॉस्टल, न्यू LRH। फिलहाल अभी हम रूम देखने जा रहे हैं कि हमारा रूम कैसा है। इसका तो रूम देख के आ गई हूँ, अब मेरा रूम कैसा है बस वही देखना है। सुनने में तो यही है कि यहाँ के रूम ज़्यादा छोटे हैं, वहाँ तो बड़े रूम हैं, यहाँ छोटे हैं, बस 2 महीने एडजस्ट करना है। अभी मैं कर रही हूँ गृह प्रवेश। अच्छा लग रहा है ना, टेंटन टाइल्स वगैरह वो नहीं है। इधर है, ऊपर है, सबसे ऊपर है शायद इसका रूम ना। हाँ 35। चलो हाँ, ये बस अच्छा रूम हो, स्पेशियस हो, रहने लायक हो ढंग का थोड़ा। इधर कौन सा रूम है? छत खुलती है क्या? क्या नहीं होगा, नंबर भी तो नहीं लिखा है रूम का, छत का नहीं पता, छत का नहीं पता खुलती है कि नहीं, बालकनी है इतना पता है। हाँ तो थर्ड फ्लोर पर रहेगा तो मैं तो जाते जाते ही थक जाऊंगी। क्या मतलब हमें छत पर रूम मिला है? थर्टी फाइव रूम नंबर जो मुझे अलॉट हुआ है भाई, अच्छा रूम हो बस देखते हैं। छोटा रूम है, एक ही अलमीरा भी है,
इधर से बहुत ही गंदा व्यू दिख रहा है, कबाड़ा व्यू। और मेरा दूर है या नहीं? ठीक है, इसमें हम वो सामान रख सकते हैं जो वैसे होंगे। बेड कैसे डालूंगी? उस वाले से तो ठीक है। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। अभी अभी जस्ट हम कलाम सेंटर से आ रहे हैं प्रैक्टिस करने के बाद, और हमें जाना है अमीनाबाद शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए मतलब क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस डे पे वाइट कलर की कुर्ती पहननी है, और हमेशा हम सबसे मांगते फिरते हैं, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि इस बार हम खुद खरीदेंगे कुर्ती। और बहुत थक चुके हैं, हालत ख़राब है, लेकिन क्या करें, कल तो और टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम अभी जा रहे हैं। और अपना रूम देखने के बाद मैं बहुत ही सैड हो चुकी हूँ, क्योंकि वो सिंगल सीटर रूम है और उसमें हमें दो लोगों को रखा गया है। पता नहीं कैसे हम रहेंगे, हमें खुद भी नहीं पता है, क्योंकि वहाँ पे दो बेड रखने के बाद बिल्कुल जगह भी नहीं बच रही है। हमारी अलमीरा कहाँ जाएगी, क्या कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट ठीक है, अभी मार्केट आए हैं तो हमने सोचा ठीक है, अपनी अपने काम पे फोकस करते हैं। तो सुबह से दौड़ते दौड़ते हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो जितना भी हमें सब कुछ दिखा, बताशे, मोमोज, चाउमिन, सब हमने यहाँ पे खाई। और एक्चुअली हमारा यहाँ पे ये काम था कि इंडिपेंडेंस डे पे हमें वाइट कलर का कुर्ता पहनना है, और हमारे पास था नहीं। मतलब हमेशा जब भी यहाँ पे मुझे फंक्शन में जाना होता है तो वाइट ही कुर्ता पहनना होता है, और मैं ऐसे कि सबसे मांगती रहती। तो मैंने इस बार सोचा कि इस बार खुद से ही लूँगी। और यहाँ पे इतनी बारिश हुई है ना, इतनी आज भीड़ भी है पता नहीं क्यों, और वाइट कुर्ता ना बहुत मुश्किल से ढूंढते ढूंढते यहाँ पे जाके मुझे ठीक ठाक मिला थोड़ा सा, और कहीं मिल ही नहीं रहा था। और स्टेशनरी का कुछ सामान लेना था तो वो लिया, और मेरे को सच में यार दुकानें ही नहीं पता, मैं यहाँ पे आके भटक जाती हूँ। और मैंने देखा कि यहाँ बिल्कुल भागा भागी मच गई है, फिर पता चला कि अच्छा पुलिस वाले आ रहे हैं, इसलिए ये अपना सामान हटा रहे हैं सड़क से। तो फिर से हमने मैंगो शेक पिया, और अभी भी मुझे हॉस्टल की टेंशन हो रही है कि मैं कैसे रहूँगी कैसे नहीं रहूँगी। बट ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अगर दो बेड नहीं पड़ेंगे तो हम नीचे गद्दे डालेंगे 2 महीने के बाद, और उसके बाद एडजस्ट हो जाएगा। छः बजे आए थे, 6:30 बजे आए थे, और अभी 9:30 बज गए ऑलमोस्ट, हम यहाँ से निकल रहे हैं। और रक्षाबंधन का अभी ओकेजन है, इतनी सारी राखियाँ हर जगह मिल रही हैं, मुझे भी लेनी थी बट टाइम ही नहीं मिला, हॉस्टल के लिए लेट हो रहा था। तो अभी हम पहुँचते हैं अपने हॉस्टल। मेरा दिल पुकारे, पीछे जाओ, पूरा नहीं आ रहा है। ये जो खेत में नहीं लोग रहते हैं, वो पुतला टांगते वैसे सही लग रहा है यार तुम्हारा तो, तब भी हाँ नहीं, पर एक 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 चीज, एक साइज छोटा हो जाए तो ठीक है, क्योंकि दुपट्टा डालेंगे तो कुछ ज्यादा ढीला ढीला लगेगा ना। कुर्ता लेके आए हैं, और ये कुर्ता देखो, होली खेलने जा रहे हैं, और इसका ये नेताजी, हमारा नेता कैसा हो, मोनिका जैसा हो। नमस्ते नमस्ते, आप वोट कीजिएगा किस पे? किस पे? इंजेक्शन। हम क्या लेके आए हैं यार, हम लोग इतने मोटे नहीं है जितना हम दुकान पे दिखाते हैं कि ढीला चाहिए ढीला चाहिए। क्या हो रहा है? और हमने इसके लिए कितनी देर शॉपिंग की है? तीन घंटे। हम लेने गए थे सिर्फ व्हाइट कुर्ता, 3 घंटे में ये लेके आए हैं यार, हम लोग को पसंद हो गया। अब इसको या तो हम फिटिंग करवाएंगे, नहीं फिटिंग नहीं कराएंगे, वो 100 रुपए ले लेंगे, या तो चेंज करने कल वापस चलेंगे, लेकिन कल ब्राउन हॉल जाने का इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो कल देखते हैं इसका क्या करना है। अचार डालेंगे इसका हम।